गुड मॉर्निंग अरुण, कैसे हैं आप सब लोगों को? हम लोग सब बड़े होंगे और बड़े हैं ना। बाकी अभी टाइम हो रहा है सुबह के 9, और कल मैं नहा के आया, उस चक्कर से या पता नहीं घर में काम वाम चल रहा था, उसके एलर्जी की वजह से मतलब मेरे को सर्दी जुकाम लगी बड़ी गंदी वाली, और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई थी कल रात को। लेकिन अभी थोड़ी ठीक है, लेकिन अभी भी थोड़ी बहुत सर्दी लगी है, हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। और आज भी हमारा प्लान था वैसे स्विमिंग पूल में जाने का, लेकिन मैं गया नहीं क्योंकि फिर सर्दी बढ़ जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। भैया की शादी भी है, अभी शूट भी है मेरे, कल से शायद शूट भी है मेरे। और ठीक है, तो अपनी हेल्थ में भी थोड़ा ध्यान देना है। बाकी योगा तो हुआ नहीं है, महीना भर हो गया नहीं किया हुआ, तो योगा तो अब मैं फिर भैया के शादी के आने के बाद स्टार्ट करूँगा। तो ऐसा चार ऐसा कुछ प्लान है नहीं कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, देखो ऑन द स्पॉट कुछ प्लान बन जाए तो। बाकी अभी मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया है, नहाया नहीं है, नहाऊंगा अभी थोड़ी देर में क्योंकि मम्मी के संग मेरे को मम्मी का एक टेस्ट कराने जाना है, जो डेली रूटीन मम्मी का टेस्ट वगैरह होता है, मेन मंथली होता है, वीकली होता है, मंथली होता है, 15 डेज में ऐसे कुछ होता है। तो अभी जाएंगे वहाँ टेस्ट करके लाएंगे मम्मी का, उसके बाद वहाँ से आने के बाद हेलमेट का झाड़ी ख़त्म करता हूँ ना मैं पहले। मैं सुबह सोचता हूँ कि सुबह जो हेलमेट वाले काम है सब निपटा ले जाए, फिर आराम से नहाया जाएगा। तो अभी मम्मी का टेस्ट रखवाऊंगा, उसके बाद आराम से नहाऊंगा, फिर देखते हैं आगे का प्रोग्राम। सुबह तो मेरा प्लान बन गया था कि साइकिल राइडिंग पर जाऊँगा, क्योंकि जब से साइकिल ली है ना भाई ने चलाई है ना मैंने चलाई है, मतलब क्या ही बताऊँ यार, मतलब कि साइकिल ऐसी खड़ी की खड़ी है, वो उसमें धूल बैठ गई है खड़े खड़े, तो साइकिल भी चलाएंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ प्लान है नहीं आज का कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। सुबह था प्लान साइकिल राइडिंग में जाएंगे, लेकिन फिर नहीं हो पाया, देखो अब कल परसों कुछ हो पाएगा प्लान तो जाएंगे, नहीं तो बाद में भैया की शादी के बाद ही काम पेंडिंग पड़े हैं बहुत सारे, ये करना है वो करना है, भैया की थाई तक रुके पड़े हैं। बाकी आज नीचे फर्स्ट फ्लोर में वहाँ मतलब आज सबसे नीचे रूम में आज चल रही है POP, तो अभी आपको भी दिखाऊंगा। फिलहाल अभी चलते हैं नीचे, और जो छोटे मोटे काम हैं घर वालों के वो कर ले रहे हैं, नहीं तो गाली खाने वाले काम हो जाते हैं ना। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है दिन के 1:30, बाकी मैं भी थोड़ा रेस्ट वेस्ट करा था, थोड़ा घर का काम किया, बाकी अभी नहा धो फर्स्ट क्लास रेडी हो गया, अभी मैं जा रहा हूँ विक्की भाई के ऑफिस। ऑफिस में विक्की भाई के ऐसा कुछ काम है तो नहीं, लेकिन मुझे अपनी पर्सनल फोटोज़ कुछ लेनी बीच में खींची थी तो वो लेता हूँ। बाकी थोड़ा बातचीत वातचीत करते हैं, भैया भी बोल रहे हैं कि खाली बैठा हूँ ऑफिस में, मतलब कि अकेला हूँ, वैसे तो काम करूँगी, आ जा। तो घर में बैठे बैठे गर्मी के दिन में सब बोर हो जा रहा है ना, कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, और गर्म बहुत हो रही है। फर्स्ट क्लास वहाँ ऑफिस में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, बाकी कल शूट है फिर कल शूट के लिए बात करनी है, तो अभी पहले चलते हैं ऑफिस, फिर देखते हैं आगे प्रोग्राम क्या है। तो अभी हम आ चुके हैं ऑफिस पे, बाकी विक्की भैया भी थोड़ा क्लाइंट से कॉल बात करने के लिए बाहर गए हैं। तो अभी हमने वैसे मंगा तो लिया है बिरयानी, ऑर्डर कर लिया है, खाने का मन था, क्रेविंग सी हो रही थी। कल रात को भी इनसे मैंने कहा मूवी देखने के बाद कि बिरयानी खाते बिरयानी खाते, लेकिन ये रुके नहीं, इन्हें बिल्कुल पूरा मूड की धज्जियाँ उड़ा दी थी। कोई बात नहीं, लेकिन हम बिरयानी अभी हम यहीं पर खाएंगे, ऑर्डर कर दिया विक्की भैया ने, तो फर्स्ट क्लास। बाकी मेरा सर्दी जुकाम अभी ठीक नहीं हो रहा है, AC में बैठ रहा हूँ और ज़्यादा हो जा रहा है, अभी एक तो यहाँ AC चला रखा है इस चक्कर से और ज़्यादा हो जा रहा है, AC में बैठ के ना बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, और एक तो बाहर धूप इतनी गर्म, अझेल हो रहा है रहना, अझेल। और मेरा सही बताऊँ, मेरा आज बहुत मन कर रहा है दीपू जाने का, लेकिन जा नहीं सकते गाइस, नहीं जा सकते, क्या करें। देखो शाम को बॉयज़ के संग जाएंगे घूमने, मज़ा आएगा उनके संग, बॉयज़ पिंचू और उनके संग का प्लान है, देखो क्या होता है। बाकी मौज लेते रहो, रोज़ लेते रहो, ना मिले तो खोजते रहो। सो गाइस अभी हमारी आ चुकी है यहाँ पर चिकन बिरयानी और साथ ही साथ रोटी। मुकुलदा भी यहाँ पर आए हैं आज हमारे साथ, मुकुलदा, और यहाँ पर सिनेमेटोग्राफर, फोटोग्राफर, ड्रोन ऑपरेटर हमारी विक्की भैया। बस बस करो गाइस, लाइफ में क्या है, AC चले धीरे धीरे, यहाँ बिरयानी हो, चटनी हो, कोल्ड ड्रिंक हो, लाइफ में और क्या चाहिए, लाइफ में यही है बस, लाइफ में और क्या है, मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खुद। अभी फिलहाल हमने अपने सर में पहन लिया मुकुट, ये देखो, आ जाओ कोई भिड़ो अब। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मार्केट में, और विक्की भैया हेलमेट हम लेके आनी है, दो चार काम है, और इनने में से शर्त लाई कि मुझे वो भी पिलाएंगे, लस्सी भी पिलाएंगे, लस्सी पिलाओगे यार। शर्त किस चीज़ की? हेलो, क्या मतलब, अब शर्त से मुकरने की नहीं हो रही। अभी टाइम हो चुका है शाम के 5, और बॉयज़ अभी आ चुके हैं ट्यूशन से, ट्यूशन से आने के बाद देखो हमें डिस्टर्ब करने के लिए यहाँ, मजा आ गया एक बार और सर, एक बार और आपकी गाड़ी में धुआं भी उड़ा दे भाई हम हो, देखो 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 ये अभी ये एक चक्कर अभी डीएवी स्कूल के पास जाएंगे, ये एक चक्कर नीचे गुरुकुल की तरफ को जाएंगे, और तुम कहाँ जाओगे? एकेडमी, शिशु भारती। शिशु भारती क्या है वहाँ? रामपुर रोड पे शिशु भारती है, वहाँ वहाँ जाएगा ना हरगोविंद सुहाग। गाइस गाइस शिशु भारती क्या है, कुछ नया सुनने में आ रहा है, ये शिशु मंदिर क्या है वहाँ बिंजू? और सब तो ठीक है, जल जलने वाली बात बताओ यार। सो गाइस अभी प्लान कुछ ऐसा है, अभी चलते हैं जरा बॉयज के संग गेड़िया मारने। मैंने सुना हिमांशु भाई थोड़ा खर्चा हो जाए भाई, बड़े भाई बड़े, ऐसे हिमांशु भाई में आग लगे, ऐसे हिमांशु भाई में आग लगे, एक रुपया खर्च नहीं करूंगा मैं इन पे आज।
भोला भैया के बाबू बैठे हैं, नो उधार प्लीज। चलो चलो पहले चलो पहले गेड़ी मारे, फिर देखते हैं मूड चेंज हो सकता है मेरा। अभी तो मेरा मूड ऑफ इट है इधर से। आई एम सॉरी बाबू, नहीं यार सौरभ ने कह दिया कल तो कल भाई, कल तुमने तो कल भी ये कहा था कल। आई एम सॉरी बाबू, आई एम सॉरी बाबू, कल हो नहीं पाया था, मैं कह रहा हूँ आज हो जाए। कुछ नहीं होगी भाई, गाइस आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मेरा बिल्कुल मन नहीं था इन पे पैसे खर्च करने का, लेकिन मजबूरी है, अपने ही बॉयज हैं ये, इनको जरा क्या है स्नैप, पहले स्नैप खुल के देखो ये क्या है इनका सीन, किसको भेजना है आज का? नहीं वो बीस रुपए का ही है भाई, सब लेके आ गया चौमिन बना दे। प्याज भी कितना बड़ा लेके आया हूँ ये गरीब जानते हैं मेरा जी, बहन जी सर काम का नाम चलता है मेरा जी की दुकान पे भाई। क्या बोलना चाह रहा है ये, मेरा जी की दुकान पे नाम चलता है, कवर कर देंगे, इतना का भी नहीं मिलेगा गाइस। कसम से मेरा बिल्कुल मन नहीं था इनको मोमो मोमोज लाने का, तो गरीब है ना, लेकिन क्या करें, वो देखो सब मन है स्नैप के लिए। अरे गर्लफ्रेंड को स्नैप भेजनी होती है ना यार, तुम नहीं जानते गर्लफ्रेंड कौन है यार, है तीन चार यार, अभी देखो उसको सबसे पहले वही देखनी, तीन चार देखो अब मैदा जी देख लो क्या सीन शॉट है। गाइस सो अभी हम खड़े हैं यहाँ पर गुरुकुल के, यहाँ पर लड़कों का सपना है वहाँ पर सांझ में जाने का, जेब में पैसा एक नहीं है, मैं कह रहा हूँ बाइक बिक जाएगी, क्या बाइक बिक जाएगी, कितने बिकेगी? अभी 500 रुपए कैश देता हूँ बताओ। चलो फिर ओए चलो स्टार्ट कर भाई, कॉमेडी कर रहा है बहुत भयंकर है आयुष, बहुत कॉमेडी कर रहा है। गाइस चलो ऐसा करते हैं 500 रुपए में कैश दे रहा हूँ अभी, अभी गाइस लड़कों का बहुत मन है यहाँ पर सांझ में जाने का, लेकिन क्या करें जेब में पैसा नहीं है। चलो इसी बात से तुम्हें गन्ने का जूस पिलाता हूँ, आओ गाड़ी 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 खड़ी करो। बोलो हिमांशु भैया, बोलो पहले नारा लगाओ हिमांशु भैया की, जय बोलो हिमांशु भैया, हिमांशु महाराज की जो मंत्री जी, मंत्री जी गाइस इसी इतना सुनने के लिए मैं हेडवा में से खड़ा कर देता, हेडवा में ही खड़ा होगा, चल चल क्यों नहीं। अरे वो गन्ने से लड़ाई कर रहा है, अरे गन्ने से लड़ाई कर रहा है, मुझे दे दो गन्ने से। रिलैक्स बॉयज, रिलैक्स बॉयज, रिलैक्स बॉयज, यहां पर चल रहा है यहां पर गन्ने का जूस हो रहा है, टिकट बताओ एक दिन हो जाए। अगर तुमने कल पैसा खर्च नहीं करे मैं डैनिश से बात कर लूंगा। अरे अरे ब्रो मम्मी कल मम्मी को लेके नहीं जाना है, अरे वो कल बाजार जा रहे हैं ट्यूशन लिया हमें, एक दिन घर आके मारूंगा सच में। सो गाइस लॉन्डो पे आज भरपूर पैसा खर्च कर दिया है, लोन लिया था मैंने, अब क्या करें, तेरे बाप 240 रुपए खर्च कर रहे हैं हम पे। गाइस अब क्या करूं, मैं बैंकक्रप्ट हो चुका हूं, अब मैं जा रहा हूं घर को, ये जा रहे हैं अपने घर को। चलो गाइस तो गाइस ऐसा सीन शॉट है, तू जा रहा है अकेडमी। अभी लॉन्डो लफारसन घूम घाम के अभी हम आ चुके हैं दोबारा से ऑफिस पे, और अभी हमने जाना है क्लाइंट के वहाँ, और अंधेरा हो चुका है, टाइम हो चुका है अभी 6:30 या 7:45 करीब हो चुका है। अभी हमने क्लाइंट को कहाँ जाना है, एल्बम वगैरह आगे इनको देना है और पेन ड्राइव्स आगे इनको देना है, तो चलते हैं। और मेरे सर्दी जुकाम की वजह से भारी भारी आवाज़ आ रही है। अभी टाइम हो चुका है 9:30, बाकी अभी मैं और हमारे मुन्नावड़ी राकेश कुछ भी कह सकते हैं आप, इनके सभी नाम फेमस हैं। तो अभी हम खाना पीना खाने के बाद अभी निकले बाहर को, थोड़ा हमने कहा जरा वॉकिंग कर लें, गर्मी के दिन हैं, अंदर बैठे गर्म हो रही है, मैंने कहा वॉकिंग कर ली जाए क्यों ना, पेट आ रहा है मुन्ना का और मेरा भी, खासकर मेरा आ रहा है गाइस। बाकी कल तो हमने कल शूट में भी जाना है, मतलब मुन्ना नहीं नहीं मैंने जाना है, और कल तो टाइम हो नहीं पाएगा इतना व्लॉगिंग का, देखो हो पाएगा तो फर्स्ट क्लास करके से करेंगे। बाकी शूट पर कहीं नहीं जाना, यहीं पर ही जाना है हिम्मतपुर पे, एज यूजल मजे ही आते हैं हर शूट पे। 15-20 मिनट हो गए हमें वॉक करते करते, 1-1.5 किलोमीटर चल चुके हैं, मुन्ना भाई के पसीने छूट चुके हैं यहाँ से, भी फैट भी निकल रहा है देखो पसीने के रास्ते। अब चलते हैं सीधा घर को, अभी घर जाके एडिटिंग करनी है, फिर कल से शूट पे भी निकलना है, तो ये वाला ब्लॉग यहीं पर एंड अप करते हैं। होप करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बाकी क्या बाकी मौज लो रोज लो, ना मिले तो खोज लो।